हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, सजा दूंगा मैं। लॉयन सफारी, सैकड़ों एकड़ भूमि पर फैला शेरों का अभयारण्य, जहां आने वाले पर्यटकों का कई बार जबरदस्त रोमांच से भी सामना होता रहता है। उफ, यहां मैं शेर की नाक से नाक मिला सकता हूं। लॉयन सफारी की सुरक्षा व संरक्षण का कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाता था। इसी उद्देश्य से फॉरेस्ट ऑफिसर की स्थापना भी की गई थी। दोपहर 3 बजे के बाद दर्शकों को सफारी में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर अरविंद डिसिल्वा, जो कि इस समय अपने रूटीन राउंड पर थे, डिसिल्वा ने उस समय तीव्र गति के साथ वैन को ब्रेक लगाकर रोका। वैन रोकने का कारण वह कौआ था, जो विंड स्क्रीन की ड्राइवर के ठीक सामने वाली जगह पर अपने पूरे पंख फैलाकर चिपका हुआ था। शेरों के आक्रमण के डर के कारण संध्या के उस समय वैन की खिड़की का दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं था। हुश, हट! कौआ अपनी जगह से टस से मस ना हो रहा था, मजबूरी थी। पूरी सतर्कता के साथ हाथ में बंदूक लिए डिसिल्वा बाहर आ गया। और कैसा कौआ है जो हटकर ही नहीं दे रहा है? वैन का ऑटोमेटिक लॉक बंद हो चुका था। इधर कौआ तो हट गया, पर सामने का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। कौन हो तुम? उफ, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? समय साया थोड़ा और निकट आ गया। तुम 3 बजे के बाद सफारी के अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इलाका खूंखार शेरों से भरा पड़ा है? मैं चाहूं तो सफारी में अवैध प्रवेश के कारण तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं। जवाब भभकते हुए शब्दों में मिला। गिरफ्तार तो तुम्हें मैं करने आया हूं डिसिल्वा, मौत के फंदे में। बंदूक से जरूर डर लगता होगा तुम्हें। गला छोड़ो वरना गोली चला दूंगा। और एंथनी ने इतना जबरदस्त धक्का दिया कि डिसिल्वा उछलकर एक तरफ जा गिरा। ओफ, लाश को गोली से डर नहीं लगता डिसिल्वा, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो गोली चलाकर अपना अरमान पूरा कर लो। गोली की गूंज से सफारी में जबरदस्त हलचल मची। एंथनी के कंठ से जिस्म में मौत की सेहरन दौड़ाता अठास उबला। हो गई तुझे तसल्ली डिसिल्वा? कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस। और वो जिसे सुसाधारण कौआ समझ रहा था, वो प्रिंस है, मेरा वफादार साथी। आह! और उस पल दिल धाड़ धाड़ कर बज उठा उसका, जब सफारी में गूंजने लगी कई शेरों की गुर्राहट है। शेरों की गुर्राहट है, शेर आ रहे हैं। अगर इस समय तुमने मुझे मारने में समय व्यर्थ किया तो खुद भी नहीं बचोगे। तो फिर मैं ऐसी कोशिश नहीं करता। अब तुम तीनों एक कोशिश करें अब हम तीनों एक कोशिश करेंगे यानी हम तीनों भागकर तुम्हारी वैन तक पहुंचेंगे। क्यों चौंक क्यों गए? हम तीनों से मेरा मतलब है कि मैं, तुम और मौत, क्योंकि इस समय यह वैन ही मेरे और तुम्हारे जिस्मों को शेरों से बचा सकती है। लेकिन यह भी तय है कि अंदर या तो तुम पहुंचोगे या मैं, और जो बाहर छूट जाएगा उस तक पहुंचेगी मौत। हरी अप, क्विक मूव। गुर्राहट डिसिल्वा के पूरे तन बदन में मौत की थर्राहट मचाती निकट आ रही थी। पसीने में डूबा डिसिल्वा उस समय ओलंपिक रेसर की तरह भाग रहा था। एंथनी, तुम ही मरोगे क्योंकि वैन की चाबी मेरे पास है। और फिर आंधी की तरह एक जिस्म उसके ऊपर से गुजर गया। शेर की गुर्राहटों के अंदाज से डिसिल्वा को यह अनुमान लगाते देर न लगी थी कि शेर उनसे कुछ ही मिनट दूर रह गए हैं, और अनुमान एंथनी भी लगा चुका था। शेरों से तो मुझे खुद भी बचना होगा, मगर चाबी मिट्टी में ना जाने कहां जा गिरी है। भयंकर अटास लगा उठा डिसिल्वा। एंथनी, मैं अकेला नहीं मरूंगा। दहाड़े और निकट आ गई थी, और तब बड़े ही अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर एंथनी वैन की ओर बढ़ा। चाबी ढूंढने का समय नहीं रहा, और हैरान रह गया डिसिल्वा, बिना चाबी के अंदर कैसे चला गया? मैं ऐसी किसी भी जगह पर खुद को टेलीपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंखों को नजर आ रही हो। वैन के निकट पहुंचकर पागलों की तरह चिल्ला पड़ा डिसिल्वा, दरवाजा खोलो। शेरों की छलांग की सरसराहटों को महसूस करते ही डिसिल्वा वैन के नीचे सरक गया। वैन के नीचे घुसकर मैं बच सकता हूं, क्योंकि वैन बिना चाबी के नहीं चलेगी और शेर वैन के नीचे नहीं घुस सकते। मगर प्रिंस को नहीं देख पाया था डिसिल्वा। ओह प्रिंस, शाबाश, तू चाबी ढूंढ लाया, मार्वलेस। ठहर जा, मैं खिड़की को थोड़ा खोलता हूं। प्रिंस अंदर आ गया। तूने तो कमाल कर दिया प्रिंस। इग्निशन में चाबी लगाते हुए खतरनाक ढंग से मुस्कुरा उठे थे एंथनी के होंठ। वैन तेरी जिंदगी को कवच नहीं पहना सकेगी डिसिल्वा। और वैन के इंजन की घरघराहट को महसूस करते ही डिसिल्वा हलक फाड़ कर चीख उठा था, नहीं एंथनी, वैन को आगे मत बढ़ाना, प्लीज प्लीज प्लीज। निसंदेह तुम वैन से कुचल कर नहीं मरने वाले हो डिसिल्वा।
रोको, वैन को रोको। और पीछे अनगिनत चीकों को छोड़कर चेहरे पर इत्मीनान लिए वैन आगे बढ़ाता चला जा रहा था। एंथनी डिसिल्वा जैसे लोगों ने इंसानों के बनाए कानूनों को जंगल के कानूनों में बदल दिया है, मगर ये लाश अब इंसाफ करेगी। ऐसे लोगों को सजा मैं दूंगा प्रिंस, एंथनी की बात को अपना समर्थन दे रहा था प्रिंस। और फिर डिसिल्वा की लाश देखकर केवल इंस्पेक्टर इतिहास समझ सका कि ये केवल दुर्घटना नहीं थी बल्कि लाश का कारनामा था। डॉक्टर घोष की जॉइंट व्हील पर हुई हत्या के बाद अब दूसरी ही रात इसका भी कत्ल एंथनी ने क्यों किया होगा, मुझे पता लगाना होगा। डॉक्टर घोष और डिसिल्वा के उस अपराध का जिसकी सजा देने खुद मेरा भगवान कब्र से बाहर आया। डॉक्टर घोष और लॉयन सफारी में डिसिल्वा की हत्याओं का समाचार उन आंखों की सुर्खी बढ़ा रहा था। सचमुच गजब ढा रहा है लाश का इंसाफ। वे सुर्ख आंखें थी वेनु की। मैं जानती हूं कि वो मेरे शिकार तक भी जल्दी ही पहुंचेगा और मुझे उसी क्षण का इंतजार है, क्योंकि तब मैं अपने शिकार को दूंगी एक तड़पती मौत। इंस्पेक्टर इतिहास एंथनी को अपना भगवान मानता है। पढ़ें एक और प्रकाशित सनसनीखेज कॉमिक्स मेरा भगवान। इधर सूर्यास्त के साथ ही हुई इंसाफ यानी एंथनी की भस्म सुबह, जिसकी काली रात में उसका सामना हुआ था वेनु से। शमशान भैरवी को सिद्ध किया था उसने, क्योंकि अपने हत्यारे पति की मौत के बाद उसकी आत्मा को भी वो चैन से नहीं रहने देना चाहती थी। और तब एंथनी ने वेनु की बहन रेनु के सभी हत्यारों को खुद सजा देने का निश्चय कर वेनु को अपराधी न बनने का वचन ले लिया था, और इसलिए उसने खत्म किया था घोष और डिसिल्वा को। मगर वेनु आज भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थी। कुलकर्णी की हत्या उसी गोली से करने की प्रतिज्ञा जो कुलकर्णी की मौत की खबर सुनकर उसने अपनी जलती चिता में फेंक दी थी, और आज कब्र फाड़कर बाहर आई उस लाश के होठों पर थी वो कड़वी सच्चाई। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें इस कॉमिक का प्रथम भाग चलती फिरती लाश। किसे पता कि आज जमीन के ऊपर है और कब जमीन के नीचे होंगे, यही है जिंदगी। सिद्धार्थ अपार्टमेंट रूपनगर पुलिस अपार्टमेंट के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था, और आज इस इमारत की छत पर मंडरा रहा था प्रिंस। टॉप फ्लोर पर मंडरा था मौत का सूचक प्रिंस, और वो साया था एंथनी का साया। और इधर उसी समय अंदर इंस्पेक्टर चक्रधर अपनी वर्दी से बात कर रहा था। चल मेरी नोटों की मशीन, 10 घंटे काम करके बहुत थक जाती होगी तू, अब तू भी आराम कर ले और मैं भी आराम करता हूँ, क्योंकि अपना आराम वही पुलिस वाले हराम करते हैं जिनमें अभी सचमुच थोड़ी ईमानदारी व मेहनत कशी की भावना भरी हुई है। स्टार मूवीज पर गर्मा गर्म एक्शन मूवी का मजा और साथ में गर्म गर्म चाय ही इस समय पूरे दिन के तनाव को रिलैक्स कर सकते हैं। मुझ में यही बुराई है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। साहब मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, जरूर जाओ, क्योंकि इस चाय के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत सुबह की चाय पर ही पड़ती है, जो कि कल तुम्हें नसीब नहीं होगी। चाय का प्याला वहीं टेबल पर टिकाकर हवा में लहराकर उछला इंस्पेक्टर चक्रधर का जिस्म, और अपने चाय के प्याले जोड़ती भाप के खत्म होने से पहले, तुम जो भी हो मैं तुम्हारी लाश फर्श पर बिछा दूंगा जरूर, मगर उसके लिए तुम्हें इस रिवॉल्वर की जरूरत तो पड़नी ही चाहिए, है ना प्रिंस? कौन हो तुम? मेरा नाम एंथनी गोंसाल्वेस चक्रधर, और ये लो तुम्हारा रिवॉल्वर, मैं फर्श पर फेंक रहा हूं। अब मैं भी उससे उतना ही दूर हूं जितना तुम इससे, तो बढ़ो आगे, हासिल करो रिवॉल्वर, मगर ध्यान रहे ये रिवॉल्वर तुम्हें अपने चाय के प्याले से उड़ती भाप के खत्म होने से पहले हासिल करना है, और अगर तुम इसलिए इसे हासिल ना कर पाए तो फिर मैं तुम्हें एक शानदार मौत दूंगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन। नहीं, वर्दी से नोट छापने की भावना तुम्हें कानून की छाया के नीचे अपराधी बनने पर मजबूर करती है। आज के बाद अपनी वर्दी से तुम नोट नहीं छाप पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सजा दूंगा मौत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।